ये रिश्ता क्या कहलाता है। बात बनी बेटिया, कार्तिक का गुस्सा कुछ कम हुआ? ना बेटा ना, ऐसे नहीं रोते। अच्छा बैठ जा, चुप हो जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा नानी, क्या करूं? कुछ अच्छा नहीं लगता उसके बिना, और मुझे पता है जितना मिस मैं उसे कर रही हूँ ना, उतना ही मिस वो भी मुझे कर रहा होगा। पर कहेगा नहीं, मैंने देखा है उसे, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। आसान नहीं है उसके लिए भी ये भुलाना, पर भुलाना पड़ता है। हाँ बिटिया रानी, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। कार्तिक को जो चोट पहुंची है ना, उसे ख्याल में रखते हुए दो शब्द सहानुभूति के जरूर कह, अपना नजरिया उसे समझा। देख उसने भी तो कितनी बार ऐसा किया है ना, जब तू नाराज हो जाया करती थी, है ना? हाँ मैं मानती हूँ कि रिश्तों में लेन देन नहीं होता, लेकिन इज्जत और प्यार दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, तभी तो दूरियां कम होती हैं और रिश्ते पक्के होते हैं। अब देख कार्तिक नाराज है तो क्या तू भी नाराज हो जाएगी, या फिर उसके हिस्से की कोशिश भी तो खुद करेगी? क्या किट्टू बेटा, अभी तक नहाए नहीं? चलो उठो, दिवाली का दिन है, फिर तुम्हें सिंघानिया सदन भी तो जाना है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे हमने कुछ गलत कह दिया? अब तो दोहरा रिश्ता है हमारा उनके साथ, और खास कर तुम्हारा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, कीर्ति के लिए दिवाली की सौगात लेके जाओ, और लौटते वक्त नायरा को साथ में लेके आओ। दादी मैं नहीं जा पाऊंगा, आप प्लीज किसी और को भेज दीजिए ना, चाचू चाची या। हमने तुमसे कहा है तो तुम ही जाओगे। पर दादी प्लीज अब। किट्टू, बहन के ससुराल में पहले त्योहार में तमाशा खड़ा करोगे? पता नहीं ये बच्चे कब रिश्तों की नजाकत को समझेंगे। एक पोता है जो हमारी बात नहीं मान रहा, और उसकी पत्नी है वो ऐसे जाके अपने मायके बैठी है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। अब उसे वापस आना चाहिए था ना, दिवाली है, शाम को पूजा भी तो करनी है। नहीं दादी ऐसी बात नहीं तो है। कैसी बात है? ठीक है मैं जा रहा हूं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है किसी को। घर वालों ने तुम्हें साथ लाने भेजा था नायरा, पर मैं तुम्हारे घर आ ही नहीं पा रहा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मन को नहीं मना पा रहा हूं। इतनी देर से गाड़ी में बैठ के इधर उधर चक्कर काट रही हूं, पर जहां जाना है वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। मैम ये कार आगे नहीं जा सकती, आगे मेला लगा है, आप कार पीछे लीजिए और दूसरे रास्ते से चल जाइए।
छपकी तले या हवा है तू मुझ में रवा तुम्हारे भाई ने मुझे मेरी बहन मेरे खानदान सबको धोखा दिया तुम दोनों की गलती है और हमारे पूरे खानदान सब सब सहेंगे इतनी नफरत करती ना मुझे तुम्हें क्यों हुई हो चली जाओ यूं ना मैं तो जाओ चली जाओ तुम क्या मत देना मुझे मेरा चेहरा नहीं देखता तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तुम्हारा दूर करते प्लीज मेरी बात सुनो मैं भी कहां जाना चाहता हूं नायरा पर क्या करूं रोक नहीं पा रहा हूं खुद को ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ है पहली बार नाराज नहीं हुए हम एक दूसरे से पर इस बार टूट गया मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे जब जब खुद को समझाने की कोशिश करता हूं नायरा तो बस यही बात तोड़ देती है मुझे कि मेरी नारा ने मुझे धोखा दिया जब कोई अपना जख्म देता है ना नायरा तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है तुम जैसा कहोगे मैं घंटे के लिए तैयार हूँ करते जो कहोगे मैं अपनी भूल सुधारने की कोशिश कर सकती हूँ करते बस मुझसे दूर मत जाओ कार्तिक बात करेंगे तभी तो बात सुलझेगी बात बिल्कुल साफ है नायरा किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ इसलिए नाराज नहीं हूँ तुमसे कि तुमने अपने भाई का साथ दिया लेकिन इसलिए कि तुमने मुझसे झूठ बोला मुझसे बात छुपाई बस उतना ही काफी है मुझे दर्द देने के लिए क्या तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए तो इस हाल में हूँ कैसा सुलूक जिंदगी तू कर रही है मुझे पराया तू मुझी से कर रही जैसे कि आखरी सी सांस चल रही है यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे यहाँ वहाँ है तू मुझ में रवा है तू यहाँ वहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता